हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है DIY रिंग लाइट। रिंग लाइट तो आजकल वैसे भी सबकी ज़रूरत है, सबको है कि हाँ रिंग लाइट चाहिए, बट रिंग लाइट का मतलब काफ़ी कॉस्टली होती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक DIY करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है बेसिकली, और इस पर आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला, सीरियसली खर्च नहीं होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड जो कि सबके घर पे इजीली अवेलेबल होगा, किसी के घर पे कोई भी कोरियर कुछ भी सब लोग मंगाते ही हैं, तो आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हो। और दूसरा हमें चाहिए एक फॉइल पेपर, फॉइल पेपर भी सबके घर पे होता ही है। और अगर सपोज़ आप न्यू फॉइल पेपर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बेसिकली वो यूज़ किया है जो कि मैं टिफ़िन ले जाती हूँ और उस पर रोटियाँ रैप करके ले जाती हूँ, और फिर वो जो बचा हुआ फॉइल पेपर होता है उसको मैंने फेंका नहीं है, उससे मैंने ये रिंग लाइट बनाई है। तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए दिवाली लाइट्स। दिवाली लाइट्स ये सबके घर पर होती ही है, सब हर एक इंडियन के घर पे तो मिलेगी ही मिलेगी। आपके घर पे जो भी कलर की दिवाली लाइट्स है, मतलब कोई सिंगल कलर की, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और चौथा चीज़ चाहिए हमें बटर पेपर। बटर पेपर है, बटर पेपर सबसे अच्छी बात है बटर पेपर की, हम उसे बना भी सकते हैं। मैंने आगे वीडियो पे बताया भी है कि आप सिंपल बटर पेपर कैसे बना सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिर्फ और थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए और इससे आप बहुत अच्छी रिंग लाइट बना सकते हो। तो फिर फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर वन, मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड पे मैंने सर्कल बनाया है और बाहर का सर्कल का रेडियस मैंने लिया 6 सेंटीमीटर और अंदर का 3.5 सेंटीमीटर, और ये 1 इंच की स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं और अब हम इनको कट कर लेते हैं। स्टेप नंबर टू, हमने अपना सर्कल और स्ट्रिप्स को कट कर लिया है, और ये कट करने के बाद हम एक स्ट्रिप लेंगे और इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये रिंग लाइट के चारों तरफ कुछ इस तरीके से हम पेस्ट कर पाएँ। लेकिन इन सबसे पहले हमें एक और स्टेप करना है, हमें इसके चारों तरफ फॉइल पेपर को लगाना है। हम ये फॉइल पेपर इसलिए लगा रहे हैं ताकि लाइट ईज़िली मतलब अच्छे से रिफ्लेक्ट हो और हमारी रिंग लाइट बिल्कुल मार्केट जैसा इफ़ेक्ट दें, जैसे मार्केट में रिंग लाइट्स आती हैं। तो आप चाहो तो इसे फेविकोल या फेविक्विक किसी चीज़ से भी पेस्ट कर सकते हो, बस चारों तरफ हमें इसे अच्छे से पेस्ट करना है और ये स्ट्रिप्स पे भी हमें अच्छे से पेस्ट करना है। स्टेप नंबर थ्री, इस स्टेप में हमें स्ट्रिप्स को सर्कल के चारों तरफ पेस्ट करना है। मैंने ग्लू गन से पेस्ट किया है, उससे बहुत ही ईजिली पेस्ट हो जाता है। आप चाहो तो फेविकोल या फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हो। स्टेप नंबर फोर, तो इस स्टेप में हम दिवाली लाइट्स को इस सर्कल के बीच में एडजस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे 2 छेद कर लिए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे 2 लाइट्स यूज़ करने वाली हूँ। तो अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आपको जितनी भी लाइट्स यूज़ करनी है आप उस हिसाब से नीचे छेद कर लें उसमें। स्टेप नंबर फाइव में आप देख सकते हैं मैंने सर्कल के हाफ में एक दिवाली लाइट को एडजस्ट कर दिया है। अब दूसरे हाफ में हम दूसरी दिवाली लाइट लगाएंगे, तो मैं आपको ऑन करके दिखा देती हूँ। ये ऑन करके कुछ ऐसा लुक आ रहा है। अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। स्टेप नंबर सिक्स, तो आप देख सकते हैं कि मैंने लाइट को एडजस्ट कर दिया है। अब मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगी कि इसका लुक कैसा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 3 दिवाली लाइट्स यूज़ करी हैं क्योंकि मुझे कुछ लाइटिंग कम लग रही थी। तो आप चाहो तो 3-4 जितनी भी यूज़ करनी है कर सकते हो। और अब हम इस पे बटर पेपर लगाएंगे। स्टेप नंबर 7, अब हमने बटर पेपर लगा दिया है और बटर पेपर कैसे बनाना है ये वीडियो में आगे बताया हुआ है। और हम अब लाइट्स ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। तो बटर पेपर बनाना बहुत ही सिंपल है, उसके लिए आपको कोई भी पेपर लेना है, ऑयल लेना है, कॉटन लेना है, और ऑयल को
कुछ इस तरीके से रब करना है और पूरा पेपर कवर कर देना है ऑयल से। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये प्लेन पेपर आपको यूज़ करना है, आप चाहो तो कोई भी नोटबुक का पेपर भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही बटर पेपर बनेगा। तो अब अच्छे से आप देख रहे हैं कि कैसे बन रहा है बटर पेपर। तो मैंने यहाँ पे दो बटर पेपर बनाए हैं, लेकिन बटर पेपर बनाने के बाद आप उसको किसी कपड़े से अच्छे से पोंछ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। और ये अच्छे से पोंछ लें ताकि आपकी जो भी चीज़ जहाँ पे भी यूज़ करें वो ख़राब ना हो। तो ये फाइनल लुक है रिंग लाइट का, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अब घर की सारी लाइटें ऑन हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कैसा इफेक्ट आ रहा है। और अब हम रिंग लाइट ऑन करके देखते हैं कि वो कैसा लगता है, उसका इफेक्ट क्या था। अब सिर्फ ये रिंग लाइट जल रही है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कैसा इफेक्ट आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी रिंग लाइट बना सकते हैं अपने घर पर, वो भी फ्री में बिल्कुल। और बस फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।